बाबा आज सुबह महल में हमारी सहेली मंजरी को एक अक्ष तो दे ही सकते हैं ना। मंजरी हमारी सहेली है, इसका भी जीवन सुख से बीतना चाहिए, इसके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और केवल आजूबा ये सब संभव कर सकते हैं। बाबा हम आपसे विनती करते हैं, आप मंजरी को अपने साथ बिठू लेकर जाइए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मंजरी को श्रीमंत सरकार के संरक्षण में रहना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं बिठूर में अपने साथ मंजरी को ले जाता हूँ। धन्यवाद बाबा। वही हुआ जिसका हमें भय था, हमारी प्रजा ने आपको अस्वीकार कर दिया। आज हमें इतने अकेलेपन का अनुभव क्यों हो रहा है? इतना बड़ा महल और इतने सारे लोग, और हमारी व्यथा सुनने और समझने वाला कोई भी नहीं है। हमारे पति भी नहीं, तीन आई साहब है, पर उन्होंने अपनी बेटी को दोषी समझ लिया है। हमारे बाबा और मंजरी जिनके साथ हम सुख दुख बांट सकते हैं, हमें छोड़कर चले गए। और तो और, हमारी नारी सेना भी हमसे दूर हो गई। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं लक्ष्मी भाई, हम जानते हैं कि पहले आपकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, एक आजाद पक्षी के समान, पर अब राज घराने के नियम और कानूनों ने आपकी वो आजादी छीन ली है। आपकी इस पीड़ा को कम करने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। ना जाने इस झांसी से कौन सा रिश्ता है कि इतना कुछ सहने के बाद भी यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। इस झांसी को छोड़कर, अपने मनु को छोड़कर, आखिर आई बाबा के बाद सबसे अधिक स्नेह मुझे मेरी मनु ने ही तो दिया है। आपसे बात करनी है। जल्दी से पकड़ो। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो अंग्रेजों ने हमारे गुप्त ठिकाने पर छापा मार दिया। कब, ये सब कैसे हुआ? क्यों शिवा, बाजार में मेरा कोई पीछा कर रहा था, शायद अंग्रेजों का गुप्तचर था। बीमा तुम एक काम करो, तुम इस तरफ खिड़की से निकलो और जाकर उन गुप्तचर को गुमराह करो। मैं यहां से निकलकर शीघ्र भारत को इस बात की सूचना देता हूँ। और बारूद? अभी बारूद से अधिक है हमारा इन अंग्रेजों से खुद का बचाव करना, वरना सारे के सारी योजना मिट्टी मिल जाएगी। निकलो। उन्होंने मुझे नहीं देखा। और भीमा भी भाग निकला, पर उन अंग्रेजों ने बारूद जब्त कर लिया। बस आपको सतर्क रहना पड़ेगा भारत, चारों तरफ अंग्रेजों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी है, हर एक स्थान पर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आपको सतर्क करना आवश्यक था भारत, अगर आप हमारे गुप्त ठिकाने में पहुंच जाते तो आप पकड़े जाते। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन क्रांतिकारी भारत अंग्रेजों के हाथ
काका ही क्रांतिकारी पायलट है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे हृदय में भी क्रांतिकारियों के लिए बहुत सम्मान है। आखिर मैंने भी अपने क्रांतिकारी पति को देश के लिए उस ध्रुतराष्ट्र से शहीद होते देखा है, वो भी विवाह के मंडप पे। मिनी कैनन पीपल आकर फायर करना है, प्रे जॉब जॉड लक, आज ही मैरिज हो रही है और आज ही। और आज उसी ध्रुतराष्ट्र ने आपके ठिकाने पर छापा मारा है और आप तक पहुंचने के लिए गुप्तचर को भी छोड़ रखा है। अगर उस रॉस की इस घृणित योजना को असफल करने के लिए मैं आपके कुछ भी काम आ सकूं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। आखिर मैं मनु की सखी हूं, लड़ना तो सिखा ही दिया है उसने। आपने मैं बुलाया महारानी साहब? हाँ काशी, हम इतने गहरी सोच में डूब गए थे कि एक आवश्यक कार्य करना भूल ही गए। कौन सा कार्य महारानी साहब? हमने कुछ अपने आभूषण सहेज कर रखे थे हांजी को उपहार स्वरूप देने के लिए, पर देखो ना हम भूल ही गए। पर अभी वो अधिक दूरी पर नहीं गए होंगे, क्या तुम ये उपहार मंजरी तक पहुंचा सकती हो? हम समझ गए, तुम यही सोच रहे हो ना कि मंजरी तो एक विधवा है, फिर हम उसे उपहार में आभूषण क्यों दे रहे हैं? हम उत्तर देंगे, पर सही समय आने पर। पर इस वक्त तुम ये उपहार मंजरी तक पहुंचा दो। प्रणाम महारानी। रानी साहिबा, महाराज ने आपको कहा है तैयार होने के लिए, वो आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं। बाहर? पर कहाँ? क्षमा करें महारानी साहिबा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रणाम। महाराज हमें कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है, पर कहां? कौरों को भगाएंगे, आजादी हम लेंगे। महादेव जानते हैं, ये तो वही क्रांतिकारी हैं जिन्हें वो अंग्रेज फांसी पर चढ़ाने वाले थे, पर हमारे महारानी साहब ने तो इन्हें बचाया था ना। और याद है, ये तो महारानी साहब के शिवा बाबू है, लेकिन ये महारानी साहब के बाबा के साथ क्या कर रहे हैं? ऐसी नाकाबंदी में खुलेआम जाना खतरे से कभी नहीं, मुझे कुछ करना होगा। महारानी साहब, महादेव जानते, हमने अभी अभी आपके बाबा के साथ क्रांतिकारी शिवा बाबू को देखा और सत्संग में मंजरी भी थी,
और आप तो जानती है ना महारानी साहब, चारों तरफ अंग्रेजों की सेना पहरा लगा रही है, और अगर अंग्रेजों ने आपके बाबा के साथ क्रांतिकारी शिवाबाऊ को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, और तो और क्रांतिकारी शिवाबाऊ के साथ आपके बाबा भी फंस जाएंगे। शिवाबाऊ झांसी में, वो भी बाबा के साथ, जबकि वो भली बात ही जानते हैं कि झांसी में ये दुष्ट फिरंगी उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। फिर भी ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य आन पड़ा कि अपनी जान की बाजी लगाने झांसी आ गए? अरे लक्ष्मीबाई, हम चले। Look here. I said, look at me. कौन है तुम लोग? कहाँ जा रहा हो? मैं इसका बाबा हूँ और ये मैं इसका ससुर हूँ। ये हमारी बिटिया है और ये दामाद है। हम लोग बिठूर जा रहे हैं। बिटिया का ससुराल है तो उसे छोड़न के वास्ते जा रहे हैं। पर साहब कुछ हुआ है का? मतलब इतनी जांच पड़ताल काहे की चल रही है? बताइए ना मालिक, क्या हुआ? तुम्हारा क्वेश्चंस के आंसर देना हमारा काम नहीं। हम जो पूछ रहे हैं बस उसका आंसर दो। इसमें पहले क्या है? हाँ देखिए ना साहब, पोटली में कुछ मिला क्या साहब? अब करीबन की पोटली में कहाँ मिलेगा? देखिए ना साहब, कुछ शायद उनको कुछ देखने को। कुछ गड़बड़ है क्या ब्रदर? एनी प्रॉब्लम? महाराज, आपने हमें अब तक बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखिए रानी लक्ष्मीबाई, हम शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं। अभी हम आपको केवल इतना बता सकते हैं कि वो स्थान हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी हमारा हृदय विचलित होता है तो हम वहीं जाते हैं, और वहां जाकर ना केवल हमें शांति की अनुभूति होती है बल्कि हमारा आत्मविश्वास पुनर्जीवित हो जाता है। आखिर ये कौन सा स्थान है? काशी ने सही कहा था, बाबा के साथ ये दोनों शिवा भाव और मंजरी ही होंगे, पर बाबा ने भेस क्यों बदले हैं? हो सकता है शिवा भाव की सहायता करने के लिए।
तुम्हारी दाढ़ी में क्या है? दिखाओ मुझे। क्या है सर? हे देवा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज, झांसी में महाराज की सवारी इतनी साधारण होती है? हम कुछ समझे नहीं। वो दरअसल बिठूर में जब भी आजोबा कहीं बाहर जाया करते थे तो उनकी सवारी बाजे गाजे के साथ निकलती थी, ताकि सबको पता चल जाए कि श्रीमंत पेशवा सरकार की सवारी निकली है। What is this? नहीं, डिफरेंट क्यों है? ये देवा, कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? उत्साह से बजाओ। कहां गया तीनों? कहां गायब हो गया? उन लोग एग्जामिन करना था। वो याद है? वैसे आपने ये तालाब के निकट से गुजरने वाला रास्ते क्यों चुना, जबकि आपको भली भांति ज्ञात था कि इस रास्ते पर अंग्रेज जांच पड़ताल कर रहे हैं? चारों तरफ अंग्रेजों की सेना पहरा लगा रही है, पर अगर अंग्रेजों ने आपके बाबा के साथ क्रांतिकारी शिवाबाऊ को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, और तो और क्रांतिकारी शिवाबाऊ के साथ आपके बाबा भी फंस जाएंगे। हमें तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि बाबा शिवाबाऊ के साथ वे बेस बदल कर कर क्या रहे थे। आप कहाँ खो गए रानी लक्ष्मीबाई? अच्छा, आप जानते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वो स्थान आपको भी पूर्णतः हर्षित कर देगा। पर अब तो बता दीजिए कि वो स्थान कौन सा है। ये तो रंगशाला है, कितनी सुंदर है ये रंगशाला।
भारतवर्ष का हित जितना दुर्जनों की दुष्कृतियों से नहीं हुआ है। अच्छा, ये चाणक्य का अभिनय कर रही है। महाराज, आपको नाटक पसंद है ना? हाँ, और आपको? हाँ, बिठूर में हम नाटक में भी भाग लिया करते थे। हमारे अभिनय की प्रशंसा पूरा बिठूर करता था और सबसे अधिक हमारे आजोबा। आप जानती हैं, इस रंगशाला का निर्माण देवदार लकड़ी से किया गया है और यहाँ सबसे विशेष है इसकी ध्वनि रचना, जिसके कारण ये रंगशाला हमारे हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ रंगशालाओं की श्रेणी में गिनी जाती है। तभी तो जब भी हम यहां नाटक करते थे, हमारी आवाज इस रंगशाला की हर एक कोने तक पहुंच जाती थी। इसका अर्थ है आप भी अभिनय करते थे? क्यों, हमें देख के लगता है कि हम अभिनय नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, हम तो बस पूछ रहे थे। हम एक अभिनेता के साथ साथ एक निर्देशक भी। इतना ही नहीं, नाटक के लिए संगीत निर्देशन, पात्रों के लिए पोशाकों का चयन और यहां जितने भी नाटक होते उनमें उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों की रचना हम ही करवाते थे। देवा, आप कितने गुणी हैं महाराज, एक व्यक्ति में इतनी सारी प्रतिभा है। आप कितने भाग्यशाली हैं और हम भी। आइए हमारे साथ। आप जानती हैं, ये वही स्थान है जहां हमने अनेक नाटक किए हैं, जैसे सीताहरण, लंका दहन, भक्त प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र और सत्यवान सावित्री, ऐसे कई सारे नाटक। रुकिए, अब जानती हैं ये किसका धनुष्मान है? और अब अर्जुन। बिल्कुल सही, ये देखिए, ये है कर्ण का कवच। और ये इंद्र का वज्र। ये है कुबेर की चाबी। और ये है गदाधारी भीम की गदा। शकुंतला, यह हमारे प्रेम की निशानी, यह अंगूठी हम दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम की साक्षी। अच्छा, तो महाराज कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम की दुष्यंत का अभिनय कर रहे हैं। प्रिय, हमें अपना कर्तव्य निभाने हेतु अपने राज्य में वापस लौटना होगा, परंतु आप जब भी हमसे मिलना चाहें, इस अंगूठी को हमारे द्वारपाल को दिखा दें, वो आपको सम्मान पूर्वक हमारे पास ले आएगा। हम आपकी अर्धांगिनी हैं महाराज, जिसे आप अपने राज्य में आकर भूल चुके हैं। क्या आपको अपने प्रेम का तनिक भी स्मरण नहीं है? हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको आज से पूर्व कभी नहीं देखा। क्या आपको अपनी उस अंगूठी का भी स्मरण नहीं है
जो आपने हमें अपनी प्रेम की निशानी के रूप में दी थी, ये देखिए। हमारी अंगूठी कहाँ गई? आप कौन है और यहाँ क्यों आई? क्या सच में आपने हमें नहीं पहचाना? हमने कहा ना, हमने आपको नहीं पहचाना। हमें पहचानी है महाराज, हम इस मिट्टी के बने हैं, तभी तो इस मिट्टी का और हमारा रंग एक समान है। हम सत्य कह रहे हैं, अगर आप हमारी मंशा को भाप कर हमें सही रूप से पहचानेंगे तो केवल हमारी नहीं अपितु समस्त देश की उन्नति हो। क्षमा कीजिएगा, हम आपकी प्रिय शकुंतला है। ये देवा कितने अच्छे हैं महाराज, हमें इतने सुंदर स्थान पर लेकर आए, और उससे सुंदर है उनका ये नया रूप। ये ठिकाना बिल्कुल सुरक्षित है, अंग्रेज यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए स्थान को आपातकालीन परिस्थिति के लिए पहले से ही ढूंढ कर रखा था। पर ध्यान रहे, हमें अपना भेष और पहचान बदल कर रहना है। शिवा, प्रतिज्ञा के लिए अग्नि लेकर आओ। जी भारत। मंजीरी, तुम स्वेच्छा से क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती हो, इसलिए क्रांति पथ पर चलने से पहले तुम्हें शपथ ग्रहण करनी होगी। यहां अपना दाहिना हाथ दिए के ऊपर रखकर शपथ लो। बोलो, मैं शपथ लेती हूं कि क्रांति के इस पथ पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और त्याग की भावना के साथ चलूंगी। मैं शपथ लेती हूं कि क्रांति के इस पथ पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और त्याग की भावना के साथ चलूंगी, और संपूर्ण आजादी की इस लड़ाई में अपने क्रांतिकारी होने की पहचान गुप्त रखूंगी, अपने परिवार से भी। और संपूर्ण आजादी की इस लड़ाई में मैं अपने क्रांतिकारी पहचान को गुप्त रखूंगी, अपने परिवार से भी। Don't worry, brother. At least हमने बारूद पर तो कब से कर लिया ना, और इससे उन bloody Indians का पूरा plan fail हो गया होगा। Don't be so naive. बारूद पकड़ा गया इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे। And I'm sure अब वो दूसरे plan बना रहे होंगे railway inauguration को fail करने के लिए। And Ross is never wrong. तो आपने क्या सोचा है ब्रदर? मैंने प्लान ही बदल दिया है। रेलरोड प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन तो होगा, बट डिसाइडेड टाइम से पहले। We'll have to prepone the inauguration. रॉब, सारी अरेंजमेंट्स करो, और अगर जरूरत पड़े तो लेबरर्स को डबल कर दो। Work day and night, because aaj se teesra din we will inaugurate the train. You only have 2 days. Sir, 2 days mein railroad ka kaam kaise complete hoga? Ye sochna aur karna tumhara kaam hai, mera nahi. But sir, itne kam time mein bridge ka complete hona impossible hai. Aur agar
हमने ब्रिज की जगह पर डाइवर्जन बनाया तो कम टाइम लगेगा ना। फाइन, मुझे कंप्लीट रेलवे सिस्टम का ब्लूप्रिंट चाहिए बाय टुमारो मॉर्निंग। अपनी प्लानिंग के साथ आओ और बताओ मुझे ये डाइवर्जन कैसे बनाने वाले हो। गॉट इट? यस सर। अब मैं भी देखता हूं कैसे रोक पाएगी मुझे ये रानी लक्ष्मीबाई।